दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो कर्नाटक से सामने आ रहा है, जहां पर खुलेआम हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली गई रैली में खूब जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी की गई है, वो भी मस्जिद के अंदर और एक विशेष समुदाय के घरों के अंदर। किस तरह से बवाल किया गया है, इसकी पूरी जानकारी और कई वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सामने आ रहा है। यहां पर भी होली के मौके पर किस तरह से एक सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति की पगड़ी को उछाला गया, उसके बाद उसको कलर लगाया गया, उसके बाद उसकी तलवार को भी छीना गया, उसके साथ किस तरह से बेहुर्मती की गई है, इसका भी पूरा जो है वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तीसरा वीडियो बागेश्वर धाम वाले बाबा का है, जो अब एक और विवादित बयान को लेकर के चर्चा में आ गए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, ये आपको पूरा सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट जो हम बार बार करते हैं कि भाईचारा बनाकर रखिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, देश में आज हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से लोगों में नफरत भरी जा रही है, इसके कई वीडियो कई कार्यक्रमों के अंदर बयान आप लोगों ने सुने होंगे, और उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कर्नाटक के हावेरी से सामने आ रहा है, जहां पर हिंदू संगठनों के जुलूस में मुस्लिमों के घरों पर, मस्जिदों के ऊपर किस तरह से पत्थरबाजी की गई है, जरा आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए यह वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देखा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ भगवाधारी सैकड़ों की तादाद में रोड पर निकलते हैं, उसके बाद बेवजह वहां पर जब मस्जिद देखते हैं तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाते हैं। यह पूरा वाकया कर्नाटक के हावेरी में हिंदू संगठनों के जुलूस निकालने के दौरान हुआ है, जहां पर मुस्लिम घरों और मस्जिदों पर पथराव किया गया है। हिंदू संगठनों ने सांगोली रायन्ना की प्रतिमा को लेकर के एक बाइक रैली निकाली थी। जैसे ही जुलूस मस्जिद मोहल्ले में से गुजरा तो उन उपद्रवियों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, जो लगातार धर्म की आड़ में हिंसा फैलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद और उसके बाद जो है मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया है। यह सब कुछ कर्नाटक के अंदर हो रहा है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी फिलहाल सत्ता में है। आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। क्या यह हमारे देश के लिए ठीक है? क्या इस तरह से ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर, पुलिस की तरफ से यह बयान आया है कि अभी तक इस मामले में, इस घटना को लेकर के 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, अरेस्ट किया गया है, और आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद क्या, उसके बाद क्या, ये थोड़े दिन के बाद बाहर आ जाएंगे, इनका फूलों से पटाखों से स्वागत किया जाएगा, उसके बाद किसी एक को या दो को लीडर बना दिया जाएगा, फिर वो क्या नफरत फैलाते हुए घूमेगा, जिस तरह से हैदराबाद से बीजेपी के एमएलए राजा सिंह करता घूम रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार विवादित बयान दिया जा रहा है, उसके बाद कई बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं कर्नाटक के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे कर्नाटक के अंदर विवादित, उसका ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर होली के नाम पर किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, इसका भी एक वीडियो आप देखिए। मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूं, इसकी वॉइस को मैंने म्यूट कर दिया है, आप देखिए इस वीडियो को। इसमें एक सरदार जी हैं जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वहीं पर कुछ उपद्रवी जो होली खेल रहे हैं और होली की आड़ में वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच जब सरदार जी उनके पास पहुंचते हैं तो ये वही हरकत करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए, जिस इंटेंशन से ये लोग रोड पर मौजूद हैं।
होली की आड़ में किस तरह से खुले आम लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, यह आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि सिख जो है भाई ये मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, वहां पर उसको पकड़ा जाता है, उसकी पगड़ी उछाली जाती है और उसके बाद उसको पीटा भी जाता है और फिर कलर भी लगाया जाता है। खैर इस मामले को लेकर के भी पीलीभीत पुलिस का बयान आया है कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो है आपसी मतलब जो है मतलब एक तरह से कंप्रोमाइज हो गया है, जिसके बाद इसमें किसी को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। ऐसी जानकारी है, शायद अब किया भी गया होगा तो इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तब तक बताया जा रहा है कि अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार इस तरह से फेस्टिवल के नाम पर आप कब तक गुंडागर्दी करेंगे। इस तरह से देखिए सरदार जी बेचारे अपने आराम से वो जा रहे थे बाइक से, उनके ऊपर किस तरह से जो है हमला किया गया ये आप देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर फूलों की बरसात होती है जो लोग ऐसा काम करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही, बागेश्वर धाम वाले बाबा अब बुरी फंस गए हैं, बाबा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दरअसल बाबा हिंदू राष्ट्र को लेकर के पहले ही बवाल मचाए हुए हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बाबा ने खुलेआम हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की हिदायत दे डाली है। क्या कुछ उनका कहना जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। जिनके ब्याह नहीं मैं भी सुना, ब्याह पर 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के लिए समझदार को ज्यादा था, वैसे तो 2 बच्चे जो ही अच्छे एक बच्चा राम जी के पूरे बचपन से ही कहते हैं बेटा राम अपना हिंदू भाषा को काम, हम भी अपने पिताजी को बोलू तो हमें कहते हम लोग काम हिंदू राष्ट्र से किसी को लेकर हमला करना है, हाथ की दवाई खाओ हमारी कैसे मगलती हम किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो जो अपने पिछड़े हैं वो संगठित महिलाओं ने एक करवा हम पिछड़ा छोड़ भी छता है तो दोस्तों आप लोगों ने बाबा जी का ये वीडियो देखा, इसमें बाबा जी जो है अपने ही समुदाय के लोगों को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की हिदायत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 बच्चों को राम के लिए समर्पित कर दो। अब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा से कोई पूछे कि इनके कितने बच्चे हैं और ये अपने कितने बच्चे पैदा करेंगे और कितने राम जी को समर्पित करेंगे और कितने अपने पास रखेंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों के बच्चे जो 4-4, 5-5 पैदा भी कर देंगे उनका क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण का कोई इशू यहां पर नहीं है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इसी तरह से बयान दिया जाता तो कहते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और इस पर जो है लगाम लगाई जाए, लेकिन ये जो बाबा है लगातार इसी तरह से बयानबाजी करेंगे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब।